दोस्तों, क्या ब्रह्मास्त्र मूवी बाहुबली 2 के ओपनिंग डे के हिंदी बेल्ट रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या बाकी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह फ्लॉप हो जाएगी? या ब्रह्मास्त्र मूवी ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है? इन्हीं सारी चीजों को लेकर क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड बॉल न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बाहुबली 2 जब रिलीज की गई थी तो ओपनिंग डे पर 121 करोड़ रुपए के साथ बिजनेस करी थी, जिसमें हिंदी बेल्ट में 41 करोड़ रुपए का बिजनेस था और तमिल लैंग्वेज में 17 करोड़ रुपए का और तेलुगु लैंग्वेज में 58 करोड़ रुपए का, वहीं मलयालम लैंग्वेज में 5 करोड़ रुपए का। इस तरह से टोटल 121 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वैसे देखा जाए तो हिंदी बेल्ट में बाहुबली 2 ने 41 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो कि काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी बाहुबली 2 की। और टोटली वर्ल्ड वाइड 9000 स्क्रीन काउंट पर रिलीज किया गया था। लाइफ टाइम बिजनेस था 1810 करोड़ रुपए। तो कहीं कहीं बाहुबली 2 ने एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था बॉक्स ऑफिस पर। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो बाहुबली 2 के बाद अब ब्रह्मास्त्र को लेकर कुछ एक्सपेक्टेड की जा रही है। क्या बाहुबली 2 की तरह क्या हिंदी बेल्ट के मुकाबले क्या ब्रह्मास्त्र मूवी कुछ टक्कर दे पाएगी बाहुबली 2 को? क्योंकि बाहुबली बाकी लैंग्वेज की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में बाहुबली 2 का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि हर लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी बाहुबली 2 की। लेकिन हिंदी बेल्ट में जो ब्रह्मास्त्र की ऑक्यूपेंसी है, जी हाँ, वो कहीं कहीं बाहुबली 2 के हिंदी बेल्ट के रिकॉर्ड को, उसकी ऑक्यूपेंसी को टक्कर दे सकती है। यानी कि बाहुबली 2 के हिंदी बेल्ट रिकॉर्ड की ही हम बात करेंगे, और हिंदी बेल्ट रिकॉर्ड से ही अगर एज कंपेयर देखा जाए तो बाहुबली 2 के हिंदी बेल्ट रिकॉर्ड को चैलेंज जरूर कर सकती है ब्रह्मास्त्र मूवी। और देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र मूवी एक अच्छी ओपनिंग लेगी, जो कि साल 2022 की बाकी फिल्मों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि बॉलीवुड की जितनी फिल्में रिलीज हुई थी साल 2022 में, जी हाँ, वो सारी फिल्मों की अपेक्षा ब्रह्मास्त्र मूवी की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, ये ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन पिछले कुछ हालातों को देखकर, जिस तरह की बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर सिचुएशन देखने को मिले हैं लगातार, जो कि बैक टू बैक बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप चली गई हैं, कुछ एक फिल्में ही हिट साबित हुई हैं, चाहे वो भूलभुलैया 2 हो, चाहे कश्मीरी फाइल हो, लेकिन देखा जाए तो बाकी फिल्में सारी की सारी फ्लॉप गई हैं। तो इनको देखकर एक नज़रिए से यही कहा जा रहा है कि कहीं कहीं इन फिल्मों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर कलेक्शन ब्रह्मास्त्र मूवी देगी, क्योंकि इन फिल्मों का कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन 10 से 15 करोड़ के बीच था, वहीं इसके मुकाबले दुगनी कलेक्शन आ सकती है इस फिल्म की ब्रह्मास्त्र की, अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ के आसपास। ये मैं सिर्फ ओपनिंग डे की बात कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ के साथ ओपनिंग लेगी सिर्फ इंडिया में, ओवरसीज की मैं बात नहीं कर सकता, ओवरसीज का डाटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट ने बताते हैं कि 30 करोड़ आराम से ओपनिंग लेगी इंडिया में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कितने करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग ले सकती है ब्रह्मास्त्र को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।